दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस यामी गौतम के बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यामी गौतम के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि यामी गौतम का जन्म 28 नवंबर 1988 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था और 2021 के अनुसार वह फिलहाल 33 वर्ष के हैं। यदि बात करें उनके राशि चक्र चिन्ह के बारे में तो उनका राशि चक्र चिन्ह है कन्या राशि। वहीं दोस्तों बात करें उनके फिजिकल स्टैट्स के बारे में तो आपको बता दें कि यामी गौतम का हाइट है करीब 165 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 5 इंच। वहीं उनका वजन है करीब 65 किलोग्राम। यदि बात करें उनके आई कलर की तो उनका आई कलर है ब्राउन, वहीं उनका हेयर कलर है ब्लैक। वहीं दोस्तों बात करें यामी गौतम के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपको बता दें कि यामी गौतम ने अपनी स्कूल की पढ़ाई यादवेंद्र पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ से कंप्लीट की। वहीं उन्होंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। यदि बात करें उनके हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो इनका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। दोस्तों वहीं यामी गौतम हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं और उनकी जाति है ब्राह्मण। दोस्तों यदि बात करें उनके हॉबीज के बारे में तो यामी गौतम की हॉबीज है लिसनिंग म्यूजिक और ट्रैवलिंग। अब बात करते हैं यामी गौतम के फैमिली मेंबर्स के बारे में। तो आपको बता दें कि यामी गौतम के पिता का नाम मुकेश गौतम है जो कि पंजाबी फिल्म निर्देशक हैं। वहीं इनकी माता का नाम अंजलि गौतम है। दोस्तों यदि बात करें यामी गौतम के भाइयों और बहनों के बारे में तो यामी गौतम का एक छोटा भाई है जिनका नाम है ओजस गौतम और इनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है सुरीली गौतम। वहीं दोस्तों बात करें इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो आपको बता दें कि यामी गौतम मैरिड हैं। इन्होंने 4 जून 2021 को आदित्य धर के साथ शादी रचाई जो कि एक फिल्म निर्देशक हैं। दोस्तों यदि बात करें यामी गौतम के कैरियर के बारे में तो आपको बता दें कि यामी गौतम ने टीवी पर पहले काम किया। उन्होंने टीवी के एक धारावाहिक चांद के पार चलो जो कि 2008 में रिलीज हुई उसमें सना के रूप में रोल किया। वहीं इनके फिल्मों के बारे में बात करें तो इन्होंने अपना फिल्मों में पहला काम विकी डोनर मूवी से किया जो कि 2012 में रिलीज हुई जिसमें इन्होंने आसिमा रॉय का रोल निभाया। दोस्तों यदि बात करें यामी गौतम के अवार्ड्स के बारे में तो आपको बता दें कि फिल्म विकी डोनर के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए जी सिने अवार्ड मिला। वहीं इन्हें हाल ही में फिल्म बाला के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला है। दोस्तों वहीं बात करें यामी गौतम के नेटवर्थ के बारे में तो आपको बता दें कि यामी गौतम का नेटवर्थ है करीब $10 मिलियन। वहीं इनके कार्स कलेक्शन के बारे में बात करें तो यामी गौतम के पास एक ऑडी A4 कार है जिसकी कीमत है करीब 80 लाख रुपये। दोस्तों अब बात करते हैं यामी गौतम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको भी पता नहीं होगा। आपको बता दें कि यामी का जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। उनके जन्म के कुछ साल बाद यामी का परिवार चंडीगढ़ में स्थानांतरित हो गया क्योंकि उनके दादा वहां पर एक स्कूल चलाया करते थे। यामी बचपन में बहुत ही शर्मीली और डरपोक हुआ करती थी। आपको बता दें कि कॉलेज में रहते हुए वह एक IAS अधिकारी बनना चाहती थी लेकिन बाद में उन्होंने एक्टिंग में अपनी रुचि जगाई और बीच में ही इसकी पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों यामी गौतम 20 साल की उम्र में एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई चली आई। मुंबई में यामी ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया और फेयर एंड लवली का अपना पहला टीवी विज्ञापन हासिल किया। इसमें अभिनय करके वह बहुत ही फेमस हो गई। आपको बता दें कि उनसे कुछ टीवी धारावाहिक में जैसे राजकुमार आर्यन 2008 में और ये प्यार न होगा कम 2009 में उन्होंने एक्टिंग भी की है। आपको बता दें कि यामी टीवी रियलिटी शो मीठी चोरी नंबर 1 जो कि 2010 में रिलीज हुई उसमें भी काम कर चुकी हैं। दोस्तों जब भी यामी गौतम फ्री होती थी तो यामी गौतम पढ़ना, इंटीरियर डेकोरेशन करना और म्यूजिक सुनना बहुत ही पसंद है। अमेरिकन टेलीविजन हस्ती टायरा बैंक्स उनकी फैशन आइडल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यामी योगा करके खुद को फिट रखती हैं और लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। वह एक प्रशिक्षित पोल डांसर भी हैं और डॉग लवर भी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के अलावा यामी ने पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी मूवियों में भी काम कर चुकी हैं। तो दोस्तों यह थी यामी गौतम के बारे में शॉर्ट लाइफस्टाइल वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।